हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। तो आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ पे व्रत रखा गया है जन्माष्टमी का, कान्हा जी का। तो आज साते आठे एक ही हो रही है। तो जो लोग साते का व्रत रखते हैं और आठे का रखते हैं, उन्होंने आज एक साथ ही रखा है। तो मैं भगवान जी के भोग के लिए बनाने जा रही हूँ लड्डू और पंजीरी। तो उसके लिए मैं लड्डू तो गुड़ और क्या नाम उसे कहते हैं, चोए के बनते हैं, तो वो मैं बना दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ पंजीरी। तो इसको कुछ लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने चाशनी पकने के लिए रख दी है। ये 2 तार की चाशनी आ जाएगी, तब तक मैं इसे पकाऊंगी। और मैंने गौंद तल के रख लिया है और मींगे भून कर रख ली है। और इतने देर में मैं थाली पे थोड़ा सा घी लगा कर इसको सेट होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि मतलब चिपके ना, क्योंकि इन थालियों के अंदर मैं पंजीरी जमाने वाली हूँ कान्हा जी का भोग। तो ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने काजू बादाम पीस कर डाले हैं और मखाने पीस कर डाले हैं। और इसके अंदर गोला, एक गोला पूरा लिया था और 1/2 किलो चीनी के अंदर ये मैंने बनाई है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आप पीस कर डालेंगे और गोंद जो है वो तल लेंगे देसी घी के अंदर, और वो साबुती डालना है और मींगे तल कर डाली हैं इसके अंदर मैंने। और इसको आपको तब तक चलाते रहना है जब तक अच्छी तरह से बबल्स ना आ जाएँ ड्राई वाले, क्योंकि ये पंजीरी जो होती है बहुत ध्यान से जमाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक ही बार में परफेक्ट बन जाए। तो ये परफेक्ट बन चुकी है, क्योंकि थाली में डलते टाइम पे ही ये सेट होने लगी थी, पहले ही जैसे पलटी थी मैंने। अब मुझे पता लग गया है कि बिल्कुल अच्छी जमेगी ये। और पीस कर डालने में क्या होता है, काजू बादाम अगर हम पीस कर डालते हैं तो बहुत अच्छी पंजीरी बनकर आती है। तो ये सेट हो चुकी है 10-15 मिनट में ही। अब मैं इसे कट कर लूँगी और अलग अलग पीसेस में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे पंजीरी कट कर रही हूँ। मैं इस तरह से आपको कट करनी है। और हमारे यहाँ तो यही होता है कि कान्हा जी का भोग के लिए लड्डू पंजीरी का ही भोग लगता है और माखन मिश्री का। तो माखन मिश्री का भोग तो मैं शाम को लगाऊंगी, अभी सुबह के टाइम में मैं लगाने जा रही हूँ इनके लिए जो भोग बनाया है मैंने, लड्डू और पंजीरी का भोग लगाऊंगी। और खीरा चढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। और नहाने के बाद में ही मैंने भोग बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले भोग बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड बनाया हुआ भोग ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शुद्ध होकर बनाया जाए भोग, नहा धोकर। और निहार मुँह होते हैं हम लोग, तो वो भोग ज़्यादा अच्छा रहता है। देख, आप लोग देख सकते हैं कि पंजीरी कितनी अच्छी बनकर आई है, एकदम थाली में बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। बस छुरी की सहायता से मैंने इसको अलग कर लिया है थाली से, कि बहुत ही अच्छी पंजीरी बनी है। और फ्रेंड्स, खाने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी ये, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में कान्हा जी के लिए तैयारी मैंने कर ली थी। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कान्हा जी का स्नान और जलाभिषेक। तो वो उसके लिए दूध दही शहद वो सब मैंने कर लिया है। और ये मेरे बच्चों ने तैयारी करी है कि बर्थडे है तो बर्थडे के हिसाब से ही मनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या काम किया, जितनी सारी चीज़ें घर में रखी हुई थी, सारी चॉकलेट्स वगैरह पूरी कान्हा जी के लिए किट तैयार कर दी। कि हाँ मम्मी, कि उसे कहते हैं, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है और हम बच्चों को भी तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा आपको जो करना है वो आप कर लो। तो मैंने गंगा जल निकाल कर रख लिया और दूध दही शहद फूल और तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें मैंने थाली में तैयार करके रख ली थी फ्रेंड्स। और कान्हा जी का जो भोग मैंने बनाया था लड्डू और पंजीरी, वो भी मैंने रखे भोग लगाने के लिए। अब हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जने मिलके कान्हा जी को नहलाएंगे। तो ये सारे काम मैं अपने हस्बैंड से ही कराती हूँ और साथ में मैं भी हेल्प करती हूँ, हम दोनों मिलके ही हमेशा काम करते हैं पूजा पाठ के। तो अब ये कान्हा जी का जलाभिषेक करेंगे। सबसे पहले शहद लगाएंगे कान्हा जी को, और उसके बाद में दही लगाएंगे, तो फ्रेंड्स दही लगा रहे हैं हस्बैंड मेरे। और दही से अभिषेक करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा कान्हा जी को मल देंगे अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद में हम दूध चढ़ाएंगे, दूध से अभिषेक करेंगे। दूध अभिषेक हो गया। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग जल, जो गंगा जल मैंने निकाल कर रखा है, गंगा जल से कान्हा जी को नहला देंगे अच्छी तरह से। और गुलाब और तुलसी के पत्ते मैंने कान्हा जी के लिए रखे हैं, वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब इस तरह से कान्हा जी पूरी तरह से पंचामृत में स्नान इनका करा दिया है। अब मैं इन्हें अपने आँचल से पहुँच कर इनको नए वस्त्र पहनाऊंगी,
क्योंकि कान्हा जी को नए वस्त्र तो हर जन्माष्टमी पर और हर त्यौहार पर मैं ज़रूर पहनाती हूँ। तो कान्हा जी के नए वस्त्र मैं ये वाले लेकर आई थी, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत सुंदर वस्त्र लग रहे थे इनके। मैं कान्हा जी की माला लेकर आई हार खरीद के, और कान्हा जी के लिए पगड़ी लेकर आई, और क्या लेकर आई थी मैं कान्हा जी के लिए, कान्हा जी की ज्वेलरी लेकर आई थी मैं, और बांसुरी इनकी रखी हुई थी मेरे पास में पहले से ही, जो कान्हा जी के पास में हमेशा लकड़ी की बांसुरी रखती हूँ मैं, तो बांसुरी तो मेरी वही वाली थी, वही डेकोरेट कर दी थी। तो मैंने कान्हा जी को सबसे पहले कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद में हार पहनाया कान्हा जी का, और उसके बाद मैंने कान्हा जी के कानों की बालियाँ पहनाई थी, और कान्हा जी को पगड़ी लगाई। पगड़ी ये मेरी फोल्ड वाली पगड़ी है, आप लोग भी मार्केट से लेकर आए तो फोल्ड वाली पगड़ी में फ़ायदा ये होता है कि कोई भी साइज़ के कान्हा जी हमारे हैं तो उनको सही से अच्छी तरह से फिट हो जाती है ये। तो मैंने कानों की बालियाँ भी कान्हा जी को पहना दी हैं, मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी इनका मैंने सिर्फ तैयार कराया है, इनको मेकअप अभी नहीं किया है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि हाँ कि कान्हा जी का फुल मेकअप करूँ, फुल मेकअप मैं बाद में करूँगी कान्हा जी का। तो मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे, इनको मैंने मास्टरी वगैरह सब कुछ लगा के रख दी है, और जिस दूध दही शहद से जो हमने नहलाया था जिससे पंचामृत बनेगा तो उसको हम उठाकर रख देते हैं, उसका बाद में हम पंचामृत बनाएंगे और सबको प्रसाद रूप में बांटेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी स्नान करके तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। अब मैं इनकी पूजा करूँगी और आरती करूँगी, तो मैं इनके लिए जो मैंने प्रसाद बनाया है उसका मैं भोग लगाऊँगी, और बच्चों ने जो सामान रखा है वो भी मैंने भोग के लिए रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पुष्प चढ़ाए हैं, पुष्प ये मेरे ऊपर गमले में आ रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं वहाँ पर, तो वो मैंने सारे तुड़वाए थे ताज़ा ताज़ा, और वो ये मेरे हस्बैंड तोड़कर लेकर आए, फिर हम लोगों ने भगवान जी को चढ़ाए कि पूजा करने के लिए। काफ़ी सारे फूल हमें घर से ही मिल गए, फिर मैंने दिया जलाकर आरती की, फिर मैंने कान्हा जी के लिए मैं गूगल का दिया लेकर आई थी। वो कहते हैं ना कि हाँ कि बर्थडे पर या किसी नज़र से बचने के लिए, निगेटिविटी को दूर करने के लिए ये दिया जलाया जाता है, तो ये मैंने दिया जलाकर रखा, और हम सब ने मिलकर पूजा करी अच्छी तरह से, और सब ने एक एक करके भोग लगाया कान्हा जी का, लड्डू पंजीरी का। और कान्हा जी को भोग लगाते टाइम पर हमने कान्हा जी को बर्थडे विश भी किया बहुत अच्छे से, जैसे एक बच्चे को बर्थडे विश किया जाता है वैसे ही हमने कान्हा जी को बर्थडे विश किया, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने और मैंने। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताती हूँ जो मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि हमारे यहाँ पे अष्टमी और साते का व्रत, ये दो दो व्रत क्यों होते हैं। तो मैंने उनसे पूछती थी कि हाँ कि साते और आठे दो दो दिन कान्हा जी के बर्थडे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो वो कहती थी कि साते वाले दिन जो होते हैं मथुरावासी जो होते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कंस के अत्याचारों से परेशान होकर के उनका तारनहार आने वाला है और देवकी के यहाँ पुत्र पैदा होने वाला है, तो इसलिए वो लोग क्या नाम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ कि कान्हा जी का जन्म होने वाला है, कि हमारा कि कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हमारा तारनहार आने वाला है। और अष्टमी का व्रत इसलिए रखते हैं जिस दिन वसुदेव कान्हा जी को लेकर गोकुल पहुँचे थे रातों रात, तो वहाँ सुबह के टाइम में जब कान्हा जी को देखा गया था कि यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो गोकुलवासी कान्हा जी का बर्थडे अष्टमी के दिन मनाते हैं। तो इस तरह से कान्हा जी का बर्थडे साते के दिन और अष्टमी के दिन दोनों दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरी मम्मी मुझे बताती थी और मैंने भी अपने बच्चों को बताई, और मेरे बच्चे काफ़ी मन लगाकर इस कहानी को सुन रहे थे। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में आना था मुझे कॉलोनी में ही गीता दीदी के यहाँ पे, कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपने यहाँ पर कान्हा जी वो लेकर आई थी वो कान्हा जन्माष्टमी के दिन ही लेकर आई थी, तो वो अपने कान्हा जी का बर्थडे भजन कीर्तन करवाकर सेलिब्रेट करती हैं और काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हैं वो अपने कान्हा जी का बर्थडे। तो मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, ये मेरी सारी सहेलियाँ हैं जो यहाँ पर आई हुई थी, और कॉलोनी की काफ़ी सारी लेडीज़ आई थी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए यहाँ पर और कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और ये गीता दीदी इतना खुश हो गई थी कि हाँ कि इनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, कि हाँ कि मेरे कान्हा जी का बर्थडे है, और बहुत अच्छे से ये सेवा भी करती हैं अपने कान्हा जी की, और राधा जी भी हैं इनके साथ में, कान्हा जी और राधा जी दोनों की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं ये।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे भजन कीर्तन करने के बाद में और बहुत अच्छा सा एंजॉय करने के बाद में हम लोग चले जाते हैं अपने घर पर, क्योंकि घर जाने के लिए भी हमें देर हो रही थी क्योंकि 2-3 घंटे तक प्रोग्राम चला था इनके यहाँ पर। और इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत अच्छी तरह से भगवान के भजन कीर्तन करे, और मैंने भी पूजा की, कान्हा जी को टीका लगाया और पालना झुलाया कान्हा जी को। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मुझे घर भी आना था क्योंकि घर पर आकर शाम का कान्हा जी का भोग भी बनाना था। लेकिन फ्रेंड्स भजन कीर्तन होने के बाद में कान्हा जी की आरती भी होनी थी, तो पहले कीर्तन ने आरती करवाई और आरती सबने की, और फिर उसके बाद में प्रसाद लेकर उन्होंने तब भेजा। लेकिन वो अभी आने कहाँ दे रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि चाय नाश्ता करके जाना, तो व्रत था मेरा तो मैंने सिर्फ चाय ली थी और कुछ नहीं लिया था। फिर उसके बाद में सारे फ्रेंड्स से मिलकर, आप लोग देख सकते हैं सारी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं यहाँ पे और कुछ लेडीज़ें यहाँ की खड़ी भी हैं कॉलोनी की भी, और सबने यहाँ कान्हा जी के साथ में इनके फ़ोटो खिंचवाए अच्छे से और कान्हा जी को झूला झुलाया। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैं अपने सीधे घर आ जाती हूँ। मैं माखन मिश्री बनाया और आलू की फलोरी बनाई, साबुतानी खिचड़ी बनाई और खीर बनाई और रायता बनाया। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कान्हा जी के यहाँ से जाने के बाद में कान्हा जी का भोग बनाया और कान्हा जी को भोग लगाया और दिया बाती की शाम की, क्योंकि दिन सुबह के टाइम में तो पूजा हो चुकी थी लेकिन शाम का भोग जो बनाया था वो भी कान्हा जी को लगाना था। तो फ्रेंड्स मैंने वो कान्हा जी का भोग लगाया और फिर उसके बाद में मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर भोग लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाकर आते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आप सबको राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी। Thank you.